उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा को लेकर एक ओर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी जिला प्रशासन की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में विकास भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने नगर पंचायतों के अध्यक्षों और आला अधिकारियों के साथ बैठकर कांवड़ यात्रा की तैयारी पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में छरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन हाजी अकरम, जानसठ नगर पंचायत के चेयरमैन आबिद हुसैन, फुरकाजी नगर पंचायत के चेयरमैन जहीर फारूकी, छरथावल नगर पंचायत के चेयरमैन मास्टर इस्लाम मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर में शानदार तरीके से निकले और किसी भी शिव भक्त भोले को कोई समस्या ना हो, जिसके लिए सड़कें, पानी की सप्लाई और विद्युत सप्लाई बेहतर हो और स्वच्छता अच्छी हो। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यदि कांवड़ियों को किसी तरह की असुविधा होती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने कहा कि ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन सब की मॉनिटरिंग स्वयं करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कांवड़ियों के प्रति श्रद्धा रहती है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि सबसे बड़ा सेंटर मुजफ्फरनगर में है। जितने भी शिव भक्त कांवड़िए गौमुख और हरिद्वार से जल लेकर आते हैं वह हरियाणा, दिल्ली, पूरा महादेव जैसे स्थलों पर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुजफ्फरनगर आना पड़ता है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि हम पूरे दिल से उनका स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसकी तैयारी हम सब लोग मिलकर करेंगे। वहीं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने डीजे संचालक और शिव भक्त कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने डीजे का साइज कम रखें, जिससे कि शहरी क्षेत्रों में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही मंत्री ने उन होटल संचालकों को भी निर्देश दिए हैं जो खासकर मुस्लिम हैं और होटल हिंदू नाम से या फिर देवी देवताओं के नाम से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने मुस्लिम नाम से होटल को चलाएं और यात्रियों व कांवड़ियों को भ्रमित ना करें। उन्होंने आगे कहा कि होटल चलाने का सबको अधिकार है, लेकिन वो अपने नाम से होटल चलाएं। आज यहाँ मुजफ्फरनगर विकास भवन में हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, भारत सरकार के मंत्री मीनाक्षी स्वरूप जी, हमारे नगरपालिका अध्यक्ष आदरणीय वी पन्नीवाल जी, जिला पंचायत चेयरमैन और सभी टाउन एरियाओं के नगरपालिका चेयरमैन, ईओस और डीएम साहब के द्वारा ये मीटिंग कॉल की गई है। एसएसपी हैं, सभी अधिकारीगण हैं। मुजफ्फर पूरे जनपद के अंदर कांवड़ यात्रा बहुत शानदार तरीके से निकले, किसी प्रकार की असुविधा ना हो, सड़कें, पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और किसी प्रकार की असुविधाओं को ना हो, स्वच्छता बढ़िया हो, सड़कों पर अधिकांश क्षेत्र में बिजली की सप्लाई होती रहे ताकि अंधेरा ना हो, और कांवड़ या तो किसी प्रकार की असुविधा अगर होती है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों की है, सामूहिक जिम्मेदारी। तो मैंने ये आह्वान किया है कि सब लोगों का सामूहिक जिम्मेदारी मानते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इन सब की मॉनिटरिंग करते हैं और उनका आह्वान भी है कि लगातार उनके बड़ा श्रद्धा कांवड़ियों के प्रति उनकी रहती है। तो मुजफ्फरनगर में चूंकि सबसे बड़ा सेंटर मुजफ्फरनगर है, जितने कांवड़िए गौमुख से हरिद्वार से जल लेकर के चलते हैं, कुछ लोग हरियाणा, कुछ लोग दिल्ली, कुछ लोग पूरा महादेव ऐसे जाते हैं, पर मुजफ्फर उन सबको आना पड़ता है। तो मुजफ्फर सबसे बड़ा सेंटर कांवड़ यात्रा भी रहता, तो हम पूरे दिल से उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, उनको किसी प्रकार की सुविधा हो इसकी तैयारी कर सकता। प्रशासन ने थोड़ा कहा है कि डीजे थोड़ा उतर ही रखे जो सड़क पर चल सकते हो, मतलब रास्ते में अटक जाते हैं, ऐसी उनसे अनुरोध किया है। और आपके माध्यम से मैं डीजे संचालकों से भी, कांवड़ यात्रियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि इतना बड़ा डीजे ना हो जो सड़क पर निकल ही ना पाए, क्योंकि शहर थोड़ा कंजेस्टेड है, तो उसे थोड़ी मर्यादा रखेंगे और हम सब मिलकर उसे निवेदन करेंगे। होटल संचालक विषय आता है कि लगातार कुछ ऐसे जो खासतौर से मुस्लिम होटल वाले हैं तो वो हिंदुओं के नाम पर रख लेते हैं, तो उससे जो हमारे कांवड़िया या अन्य यात्री वो भ्रमित होते हैं। तो होटल सब कुछ चलने का अधिकार है, पर वो अपने नाम से होटल को चलाए, दिग्भ्रमित ना करें ताकि उन्हें किसी प्रकार का विवाद का कारण ना बने, ये उनसे कहा गया। कप्तान ने और टीम साहब ने उसके लिए निर्देशित कर दिया। बड़ी समस्या उसके बाद पानी वहाँ पे भरता है तो उसकी समस्या का समाधान हो, उसकी बातचीत कर रहे हैं, टीम साहब से बातचीत हुई है, दोबारा हम करेंगे, कोई असुविधा उनको ना हो ये जिम्मेदारी से लेकर के हम लोग काम करें। मुजफ्फरनगर से प्रवेश मलिक की रिपोर्ट।